हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं यूपीएसआई की, जो 2023 में आने वाली वैकेंसी है कि भाई इसके फॉर्म कब तक आएंगे, ठीक है, और अभी कितना इसमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है यूपीएसआई 2021 की जो आपकी वैकेंसी थी 9534, वो तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और 10 जनवरी के समथिंग और 10 फरवरी के समथिंग जो है ज्वाइन लेटर और ट्रेनिंग आपकी जो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। क्योंकि अभी जो 30 जनवरी को अभी जो प्रेस में आपने देखा होगा वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 से 3 सेंटरों में अभी काम अधूरा है। जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, टॉयलेट्स वगैरह उनकी मरम्मत करना, ये और वो, कुछ मैस के जो मैस होता है उसकी भी थोड़ा बहुत उसकी मरम्मत चल रही है कुछ सेंटरों की। तो सरकार का उद्देश्य यह है कि सभी को एक साथ ट्रेनिंग पर भेजा जाए, इसलिए ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया क्योंकि 10 से 15 दिन पहले ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं। तो जो यूपीएससी 9534 वालों के ज्वाइनिंग लेटर है ना, इनके ज्वाइनिंग लेटर आपके 25 से 28 जनवरी के बीच में आ जाएंगे और ये लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे आपके 10 फरवरी तक, ठीक है जी। तो ये तो भर्ती आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आती है आपकी 2023 की, क्योंकि सरकार बाकायदा आपका जो है ये विज्ञापन में दे चुकी है कि 2023 में उप निरीक्षक की SIP एक और भर्ती आएगी। पर आपने अखबारों में देखा होगा कि 850 के करीब वैकेंसी ही बताई जा रही है, पर हाँ इतनी कम वैकेंसी नहीं आएगी जो मुझे पता चला है, मेरी बात हुई थी कल। देखिए, इसमें ऐसा है, सबसे पहली बात तो जैसे ये लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे ना, 2021 जो 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 यूपी सब इंस्पेक्टर का 2021 वाला बैच है, जैसे ये लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 9534 के 34 तो नहीं जाएंगे, इसमें कम से कम आप मानो कि 500 से 600 वैकेंसी यहाँ से आपकी खाली मिलेंगी, ऐसे कोई 8900 या ऐसे समथिंग दरोगा जाएंगे, पूरे तो नहीं जाते कभी भी। तो ये मान के चलो 500 से 600 वैकेंसी तो इधर से ही बच जाएंगी। और ठीक है, और कुछ वैकेंसी जो आपका ये 850 वैकेंसी जो आपका अखबार में दिखा रहा है, ये 2021 दिसंबर में जो आपकी जो है खाली पद थे उसका दिखा रहा है। सरकार का क्या वो है दिया है, जो मेरी बात हुई है उन्होंने जो बताया है कि वैकेंसी कम से कम 2800 से 3000 वैकेंसी आएंगी, क्योंकि जो आपका 850 वैकेंसी ये बताई गई है ये 2021 दिसंबर तक की सर्वे के अकॉर्डिंग बताई गई है। अब 2022 भी खत्म हो गया, एक साल के अंदर सब इंस्पेक्टर्स आपको पता है बहुत रिटायर होते हैं, बहुत लोग रिटायर होते हैं, और ऊपर से 500 से 600 वैकेंसी आपकी उसमें बच जाएंगी जो आपका 9534 का बैच है। तो कुल मिलाकर जो बताया है उन्होंने, ये भाई ने यही बताया कि 2800 से 3000 वैकेंसी आपकी यूपीएसआई की आएंगी, और ये आपका 2023 में नोटिफिकेशन आएगा। और जो उन्होंने आइडिया दिया है कि फॉर्म कब तक आएंगे इसके, तो फॉर्म की जो उन्होंने बात करी है, उन्होंने बताया कि अब कम से कम अप्रैल और मई इसके बीच आपके इसका जो नोटिफिकेशन है, या तो आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, मिल जाएगा, मतलब तब तक तो आपको टेंडर भी जारी हो जाएगा इसका कि कौन सी कंपनी इसका आपका एग्जाम कराने वाली है। तो भाई जो लोग 2021 वाली भर्ती 9534 में नहीं हो पाए थे किसी भी कारणवश, तो भाई अप्रैल मई में इसके फॉर्म आ रहे हैं एग्जाम की। उन्होंने कुछ अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है, पर हाँ उन्होंने ये बताया है कि जैसे ही सरकार का जो एक वो है आइडिया है जो सरकार चाह रही है कि फरवरी, अगर मान के चलो फरवरी 10 के करीब ये जाते हैं तो पूरा एक साल का प्रशिक्षण चलेगा, इनका ट्रेनिंग चलेगी, और फरवरी में ही इनकी पास आउट ट्रेनिंग हो जाएगी, पास आउट हो जाएंगे ये लोग। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ये लोग पास आउट होंगे तो 2023 का जो बैच होगा तब तक फिजिकल एग्जाम, फिजिकल मेडिकल सब कुछ करा के रख दिया जाएगा, और जैसे ये लोग बाहर आएंगे पास आउट इनकी वो होगी, ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे ही जो यूपीएसआई 2023 का बैच होगा उसको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन टाइम है तो बताना ही पड़ेगा कि सबसे ज्यादा दरोगा की संख्या, जो 5 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा दरोगा भर्ती करे गए हैं वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में, वो यूपी सरकार ने करे हैं, और आपको पता ही है कि यूपी में क्या चल रहा है फिलहाल। तो 2023 का इनका ये है कि जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे 2021 बैच वाले, आप जो 2023 में से जो 2023 वाले बैच में सिलेक्ट होंगे बच्चे, जैसे मान के चलो फॉर्म आते हैं अप्रैल मई में और आपका सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो जाता है, फिर आपका DVPST होगा, फिर मेडिकल होगा, फरवरी तक जैसे ही आप ये लोग पास आउट होंगे आपके ज्वाइन लेटर बन जाएंगे और आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे। तो मेरा कहना तो अब देखो यही है कि फालतू के चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि अब तो कुछ होना हुआ ना है नहीं है, ठीक है, अपना जो नेक्स्ट एग्जाम है, जो नेक्स्ट यूपीएसआई की वैकेंसी है उस पर ध्यान दो। जो लोग ओवर एज हो गए हैं देखो उसका कुछ सोल्यूशन है नहीं है भाई, आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हो कोर्ट केस से लेकर जो भी करना है आपको, पर जिन लोगों की एज बची है और जिनको जो इच्छुक है कि हाँ मुझे यूपीएसआई दरोगा ही बनना है, तो भाई नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है अभी से लग जाओ, वरना कोई कमी मत छोड़ना, पछताना कभी पछताना ना पड़ जाए, ठीक है। और वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है, ठीक है ना, अगर आपको 2800 से 3000 वैकेंसी या 2200 से
2500 वैकेंसीज भी देखने को मिल जाए सब इंस्पेक्टर की SI की, तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना जितने भी आपके दोस्त हैं मित्र हैं जो पिछली बार रह गए थे, या आपके जानने वाले जो लोग हैं जिनकी एज 21 साल हो चुकी है, तो भाई बिल्कुल आप फॉर्म भरोगे, वैकेंसी आने वाली है। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। UPSI न्यू वैकेंसी जो आपकी 2023 वाली आ रही है, सभी की सभी आपको जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। ठीक है, इन लाइन देखिए, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल की भी पता है आपको वैकेंसीज आने वाली है, तो चक्षु पब्लिकेशन की देखिए गाइड बुक आई है। और आपने देखा होगा जब यूपी दरोगा की वैकेंसी आई थी, उनमें भी इनका जो क्वेश्चन था काफी अच्छे खासे फंसे थे। तो देखिए उत्तर पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी नई वैकेंसी आ रही है महिला पुरुष की 2023, इसकी स्टडी बुक है, बिल्कुल न्यूनतम पाठ्यक्रम है, लेटेस्ट पाठ्यक्रम है, बिल्कुल अपडेट दिया है सारी चीज। सामान्य ज्ञान हो, सामान्य हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान हो, A to Z सब अपडेटेड है। तो यूपी दरोगा में जो क्वेश्चंस फंसे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इनकी गाइड बुक में से फंसे हैं, तो आप ये मानिए जब दरोगा में फंस गए तो कॉन्स्टेबल तो बहुत छोटी बात है। तो इन्होंने देखिए इसमें सबसे बड़ी बात गाइड बुक में क्या है कि आपको पहले इन्होंने बताया है कि भाई एक तरह से सारी चीजें सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, पहले आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, उसके बाद में थ्योरी से बाद में ये आपको जो है MCQ देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और आपको MCQ देते हैं, और उसके बाद में आप बिल्कुल इसमें देख सकते हो। देखिए ये MCQ है, आपको पहले पूरा बताया थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद में आपको MCQ दे दिए आपको, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, और फिर उसके नीचे इनके आंसर दे दिए। ठीक है, तो अगर आप यूपी कॉन्स्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अभी टाइम है, अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं, तो आप गाइड बुक लीजिए। और देखिए ये मैंने गाइड बुक बता दी, और यूपी इनके चक्षु पब्लिकेशन के यूपी कॉन्स्टेबल के लिए भी ये आपके जो है ये आते हैं, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप बिल्कुल ये भी ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिए इनका। ठीक है जी, तो भाई बिल्कुल आप जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आप जो है ऑनलाइन मंगा सकते हैं घर बैठे। ठीक है जी, तो इन लाइन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।